हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स जो कि आपके इंटीरियर को एक लग्जरियस इंटीरियर में कन्वर्ट कर देंगे। अक्सर हम लोगों का सपना होता है कि हमारा घर बहुत खूबसूरत और डेकोरेटिव हो, जो भी गेस्ट आएँ इसके इंटीरियर की तारीफ करें। हमें अपने घर को लग्जरियस हाउस में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत है कुछ ऐसे टिप्स जानने की जो हमारी हेल्प करें हमारा पर्पस सॉल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आर्किटेक्ट अनीता करकोदी। माय फर्स्ट टिप इज़ प्रिपेयर द ग्राउंड। तो हमें सबसे पहले अपने घर से जो भी क्लटर है उसको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। जो भी हमारी अटैचमेंट है पुराने सामान के साथ में, उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। माय सेकंड टिप इज़ एवरी डिटेल मैटर्स। डिज़ाइनर लुक के लिए हमें डिटेलिंग पर बहुत ध्यान देना होगा, और जो भी हमारे कॉर्नर्स हैं, चाहे वो सीलिंग के हैं, वॉल्स के हैं, जो भी एजेस हैं उनकी डिटेलिंग पर हमें स्पेशली ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्राउन मोल्डिंग्स की, जहाँ पर हमारे सीलिंग एंड वॉल्स टच करते हैं आपस में। तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि हम कॉर्नर्स ज़रूर एड ऑन कराएँ अपने इंटीरियर में, और कहीं पर भी जहाँ भी हो सकता है आप मोल्डिंग्स को इनकॉर्पोरेट करें। ये मोल्डिंग्स हम अपने बीम्स और कॉलम्स पर ले सकते हैं। पीओपी में हम इन मोल्डिंग्स को बनवा सकते हैं। और अगर फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर में भी हम मोल्डिंग्स इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। जैसे अगर वुडन सोफ़ा है तो के आर्म्स पर भी, हम चेयर्स के आर्म्स पर, इस तरह से मोल्डिंग्स को आप अपने इंटीरियर का पार्ट बनाएं। माय नेक्स्ट टिप इज़ चूज़ ए फोकल पॉइंट। किसी भी डिज़ाइनर इंटीरियर को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें जो एक मेन पॉइंट दिखाई देता है वो होते हैं फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट आपकी कोई पेंटिंग भी हो सकती है या फिर वॉलपेपर आप ले सकते हैं फोकल पॉइंट के लिए। तो कोई भी आप इंटीरियर कर रहे हैं अगर, तो उसमें फोकल पॉइंट का ज़रूर आप ध्यान रखें। माय नेक्स्ट टिप इज़ चूज़ ए राइट कलर स्कीम। कलर स्कीम बहुत केयरफुली चूज़ करें। इसके लिए आप दो कलर्स को चूज़ कर सकते हैं, एक ब्राइट कलर एंड अदर वन इज़ लाइट कलर ऑफ दैट अर्ली वन। ब्राइट कलर आपके इंटीरियर की वाइब्रेंसी को बढ़ाएगा और लाइट कलर्स इंटीरियर को टोन डाउन करेगा। तो केयरफुली आप चूज़ करें, और जो भी हमारी एक्सेसरीज होगी वो हम इसी कलर स्कीम के अंडर ही लेके आएंगे, इससे बाहर हमें नहीं जाना है। तो कलर स्कीम का हमें ध्यान रखना होगा। माय नेक्स्ट टिप इज़ चूज़ पिलोज। इसमें हम बात करते हैं कुशन्स एंड पिलोज के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है हमारे इंटीरियर्स का, और साथ ही ये हमारे गेस्ट को एक एक्स्ट्रा कंफर्ट देने के लिए भी है। पिलो एंड कुशन्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। इनसे हमें एक अट्रैक्टिव लुक लाने में हेल्प मिलती है, साथ ही ये हमें एक्स्ट्रा कंफर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं और हमारे इंटीरियर में कलर एड ऑन करते हैं कुशन्स एंड पिलोज। तो हमें इन्हें केयरफुली चूज़ करना होगा। कुशन्स चूज़ करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारे कुशन्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। स्मॉल कुशन्स उतने लुक वाइज इंटीरियर में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते, तो थोड़ा सा बिगर साइज़ आप लें। अवॉइड करें 12 इंचेस या फिर 18 इंचेस कुशन को, इनकी जगह पे आप 24 इंचेस के कुशन्स को यूज़ कर सकते हैं। माय नेक्स्ट टिप इज़ मेक ए स्टेटमेंट विद ए रग। रग्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंटीरियर्स के लुक को चेंज करने में। तो आप इन्हें अपने इंटीरियर में एक पार्ट बनाएँ। आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिविंग एरिया में, बेडरूम में, और ये आपके इंटीरियर्स की एम्बियंस को एकदम चेंज कर देंगे। बहुत खूबसूरत ये लुक प्रोवाइड करते हैं। तो रग्स हमें चूज़ करते हुए ध्यान रखना होगा अपनी कलर स्कीम का। साथ ही अगर कोई आर्ट वर्क हमने यूज़ किया है वॉल्स पर, तो हम उनमें से भी कोई एक पैटर्न ले सकते हैं जो कि हमारे रग्स से मैच करता होगा। तो इस तरह से एक ये हमें ध्यान देना होगा कि हार्मोनाइज वे में हम रग्स को यूज़ करें। अगर हम इन्हें बैलेंस करके चलते हैं इंटीरियर में, तो हमारे इंटीरियर को ये लग्जरियस लुक प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करते हैं हमारी। तो आप इन्हें भी ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें।
रग्स को आप लिविंग रूम में यूज़ कर सकते हैं, सोफ़ा एंड सेंटर टेबल के आसपास, और बेडरूम में आप बेड के पास में इसे यूज़ कर सकते हैं, या आप कॉफ़ी टेबल एरिया में भी रग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप कहीं भी इन्हें यूज़ करें किसी भी रूम में, बट आप इसका कलर स्कीम का ध्यान रखें, और साथ ही अगर कोई आर्ट वर्क है या कोई भी फीचर है उससे मैच करता हुआ कुछ डिज़ाइन, आप कोई फीचर चूज़ करें और उस तरह से रग्स को यूज़ कर सकते हैं। माय नेक्स्ट टिप इज़ कंबाइन योर टेक्स्ट विद योर डिज़ाइन। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ध्यान दीजिए कि टीवी के जो वायर्स हैं या स्पीकर्स के कॉर्ड्स हैं, कंप्यूटर्स के कॉर्ड्स वगैरह, प्लग्स हैं, ये सब कंसील कर पाएँ तो बेटर है, अदरवाइज़ ये वायर्स दिखते हुए ख़राब लगते हैं। आप इन सारे वायर्स को हाइड करके अपने इंटीरियर्स को एनहेंस करने में, इनका लुक एनहेंस करने में आप हेल्प करते हैं। माई नेक्स्ट टिप इज़ कर्टेंस। जब हम कर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान आता है हमें अपने इंटीरियर्स की कलर स्कीम का। कलर स्कीम के अकॉर्डिंग ही हमें कर्टेंस का कलर चूज़ करना है। जो भी हमारा वॉल कलर है उससे एक शेड हल्का या डार्कर साइड में हम अपने कर्टेंस को चूज़ कर सकते हैं। कर्टेंस के बारे में एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। माय नेक्स्ट टिप इज़ लाइटिंग। लाइटिंग किसी भी इंटीरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत तरह के फिक्चर्स अवेलेबल हैं जो बहुत खूबसूरत हैं और आपके इंटीरियर को डिज़ाइनर लुक प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे। इनके लिए आपको किसी हाई एंड लाइटिंग स्टोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने आसपास की लोकल मार्केट से भी आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लाइटिंग फिक्चर्स आसानी से मिल जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगी कि हर एक रूम में आप टेबल लैंप ज़रूर ऐड करें, साथ ही कुछ स्पेशल एरियाज में पेंडेंट लाइट फिक्चर्स भी आप ज़रूर लगवाएं। ये आपके घर में लग्जीरियस लुक लाने में आपकी मदद करते हैं और आपका घर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। माय नेक्स्ट टिप इज़ फ्लोरिंग। जब हम इंटीरियर्स की बात करते हैं, लग्जीरियस हाउस इंटीरियर की, तो हमें फ्लोरिंग पर भी ज़रूर ध्यान देना होगा। आजकल वुडन फ्लोरिंग भी काफ़ी ट्रेंड में है, तो आप इसको भी अपने इंटीरियर का एक पार्ट बना सकते हैं। आप ड्राइंग रूम में वुडन फ्लोरिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉमन एरिया लॉबी एरियाज में भी आप वुडन फ्लोरिंग को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एरिया को हाईलाइट करने के लिए आप ये फ्लोरिंग यूज़ कर सकते हैं। आजकल इसमें काफ़ी स्कोप है, वेरिएशन बहुत मिल जाती है वुडन फ्लोरिंग में, तो इसे भी आप अपने इंटीरियर का पार्ट बनाएं। माय नेक्स्ट टिप इज़ वॉशरूम्स। जब हम वॉशरूम्स की बात करते हैं तो हमें वॉशरूम्स नज़र आते हैं डल बोरिंग टाइप के वॉशरूम्स, लेकिन आप डिज़ाइनर लुक की बात कर रहे हैं तो आप कुछ ब्राइट कलर्स को चूज़ करें। किसी वॉल को आप डार्क कलर्स में भी ले सकते हैं। टाइल्स अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आप एक वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं किसी ब्राइट कलर से। ब्राइट कलर्स आपके वॉशरूम का लुक बिल्कुल चेंज कर देंगे और बहुत डेकोरेटिव आपका वॉशरूम बन जाएगा। और इसमें वॉशरूम में आपको साथ ही ध्यान रखना होगा, आपके काउंटर के ऊपर, वॉश बेसिन काउंटर के ऊपर एक बहुत खूबसूरत आप सुंदर सी लाइट भी ज़रूर ऐड कराएं, उससे आपका रिफ्लेक्शन मिरर में क्लियर मिलेगा आपको और वॉशरूम का एम्बियंस चेंज हो जाता है। तो आप लाइटिंग का और टाइलिंग का, कलर ऑफ टाइलिंग्स, आप इन दोनों पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट स्टेप इज़ फर्नीचर। फर्नीचर की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे एक्सपेंसिव भी होता है। तो अगर आप ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने फर्नीचर को रिपॉलिश करा सकते हैं। अगर आपका सोफ़ा चेयर्स एक्सेट्रा ये वुडन फर्नीचर है तो आप इनको रिपॉलिश करवा लीजिए, और अगर पूरी फुली अपॉलिस्टर्ड है तो आप इनकी अपॉलिस्ट्री चेंज करवा सकते हैं। ये दोनों आप छोटे छोटे ये ऑल्ट्रेशन अपने फर्नीचर के साथ में अगर करते हैं, अपॉलिस्ट्री चेंज कराने का और रिपॉलिश कराने का, पॉलिश दोबारा से कराने का, तो उसी से
आपका फर्नीचर एकदम नया सा दिखने लगेगा और आपको लगेगा कि आपका पूरा फर्नीचर ही चेंज हो गया है सिर्फ रिपॉलिश कराने से और अपहोल्स्ट्री चेंज करने से। आई होप आज के ये बजट फ्रेंडली टिप्स आपकी बहुत मदद करेंगे आपके घर को आपके सपनों का घर बनाने में। तो अगर आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।